कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है, रमजान बाजार लगेंगे या नहीं? वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास भी तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार रमज़ान पैकेज की मंजूरी देंगे। और आपको बताते चले कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है, रमज़ान बाजार लगेंगे या नहीं? वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है और उस्मान बुज़दार रमज़ान पैकेज की मंजूरी भी देंगे। रमज़ान बाजार लगेंगे या नहीं, इस हवाले से फैसला किया जाएगा। इसी पे बात करेंगे। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गैर ममूली नौईयत का ये इजलास बुलाया है, जिसमें रमजान पैकेज का जायजा लिया जाएगा और इजलास में रमजान पैकेज के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम से गौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब जो है उसको पैकेज की मंजूरी देंगे और इजलास में कोरोना की जो तीसरी लहर है इसके पेश नजर रमजान बाजार लगाने या ना लगाने के बारे में भी फैसला किया जाएगा। सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अली खान, सूबाई वजीर सनअत तजारत नियासुल पाल, सूबाई वजीर ज़राअत हसैन जहानिया गद्देजी और दीगर हुकाम जो है इस इजलास में शरीक होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे।